नमस्कार, आपका स्वागत है नीतू इटली चैनल में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको अपने किचन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। इटालियन पिज़्ज़ा कैसे बनता है, तो इसके लिए पहले मैंने ली है लिविएटो, जो कि जिसे इंग्लिश में ईस्ट बोला जाता है। उसके 2 पैकेट लिए हैं। मैं बनाऊंगी 1 किलो मैदे से, तो इसके लिए जो 2 पैकेट हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट हैं। तो ये मैंने अपनी ईस्ट को पहले थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो कर रख लिया था, और उसमें मैंने थोड़ी सी इतनी सी चीनी डाली है। चीनी से क्या है, ये अच्छे से फूलता है। तो अब मैं इसमें भिगोने में ये लूँगी मैदा, या फिर आप पिज़्ज़ा आटा भी ले सकते हैं, या मैदे के साथ भी बना सकते हैं। तो ये लिया है मैंने 1 किलो आटा, मैदा, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, दो से तीन चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मैं पिज्जे का डो बना रही हूँ घर पे, तो ऐसे बनाइए आप गाइस डो। अब ये लिविएटो जो हमने ली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए कैसे फॉर्मेटेड हो चुकी है। अब हम इसको धीरे धीरे करके इस मैदे में डालेंगे और आटे को मिक्स करेंगे। ये अच्छे से अब मिक्स हो चुका है, इसमें नमक भी और जो लिवेतो का घोल था वो भी। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर इस आटे को अच्छे से गूंद लूंगी। तो ध्यान रखना गाइस, जो पानी है वो ध्यान से डालना, एकदम से नहीं। ये देखिए गाइस, डो बनकर तैयार। देखिए गाइस, डो जो बनकर तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा तेल लगा के हाथों को अच्छे से मलकर रख दिया। ये ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत नरम, क्योंकि ये फूलने के बाद अपने आप थोड़ा सा नरम हो जाएगा। तो अगर ये आटा सख्त हुआ तो इससे पिज़्ज़ा जो है अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, आटा गूंद कर तैयार हो गया है, इसको हम अब ढककर 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। आप किसी कपड़े से भी इसको ढक कर रख सकते हैं, अगर आपके पास ये है तो इसके साथ भी इसको आप अच्छे से ढक कर किसी गर्म जगह पर रख सकते हैं टाइट, ताकि आपका आटा जो है उसमें हवा कहीं से क्रॉस ना हो और अच्छे से फूल जाए। याद रहे, अगर आटा मैदा आपको आधा किलो लेना है तो लिवेते को सिर्फ एक ही पैकेट डालिए। कुबेतों में भी आता है ये टिक्की की शेप में, तो वो भी आधी लीजिए। अगर 1 किलो मैदे से पिज्जे बनाने हैं तो ये दोनों पैकेट 10 मिनट पहले गुनगुने पानी में भिगो डालकर रख दीजिए। तो ये हो गया हमारा डो तैयार। अब हम इसे 4-5 घंटे के लिए रख देंगे फूलने के लिए। तो अब हम आपको मिलते हैं 4-5 घंटों के बाद। ओके गाइस, अब 4-5 घंटे के बाद ये देखिए आटा कैसे फर्मेंटेड होकर फूल गया है। ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। इधर हमने ये फरमाजो
चीज़ जो है उसको कद्दूकस कर लिया है, ये मोसोरेला चीज़ इसको कद्दूकस कर लिया है, ये कुछ सब्जियां हैं जो मैंने काट ली हैं, शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और येलो वाली, अगर आपके पास रेड है तो आप वो भी काट सकते हैं। एक मैंने इसमें जो जुकीनी काटी है बारीक बारीक कट करके, और अगर आपके पास ब्लैक ओलिव्स भी हैं तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं है। तो मैं पहला पिज़्ज़ा अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी, उन्होंने ये फ्रेंच फ्राइज़ वाला, और इसके साथ ये सॉसेज बीच में लगानी है, मीट के पीस हैं, तो इसके लिए मैं उनके लिए सिंपल सॉस तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि जो इसमें थोड़ा सा पानी होता है वो बिल्कुल सूख जाए, इसका कच्चापन जो है सॉस का ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी हल्की सी काली मिर्च, क्योंकि बच्चे कोई और खाते नहीं हैं, काली मिर्च हल्की सी, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक। नमक ध्यान से डालना क्योंकि पहले हमने उस आटे में भी नमक को डाला हुआ है। बस ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको पकाने से क्या होता है कि जो टमाटर का कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और खाने में जो पिज़्ज़ा है और टेस्टी हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए सिंपल सॉस तैयार की है मैंने। ये देखिए गाइस, अब इसको मैंने एक एक करके पेड़ा जो है ले लिया, इसको इकट्ठा नहीं करना आटे को, मैंने भी कहीं से सुना कि अगर इसको इकट्ठा कर दो तो इसकी जो पिज़्ज़ा बनाने में फॉर्मेंटेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसको पेड़े को तैयार कर लिया है, अब मैं इसको बेलूंगी। इस पर थोड़ा सा सूखा आटा मैं डो को बनाऊंगी। आप चाहे तो इसको गोल बना सकते हैं, चौरस बना सकते हैं। इसका जो बेस है पिज्जे का बिल्कुल पतला बनाया जाता है। किनारों से भी पतला किया जाता है। ये देखिए गाइस, कितनी पतली रोटी है, इसको ध्यान से उठाना। मैंने जो अपनी फोर्नो है ओवन, इसको प्रीहीट कर लिया है पहले, ये देखिए 220 पर इसको थोड़ा सा गरम कर लिया है। अब इस पिज़्ज़ा बेस को हम इस बेकिंग ट्रे में डालेंगे, नीचे मैंने जो है बेकिंग शीट बिछा लिया, ना हो तो आप इसके नीचे ट्रे पे थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। अब जो सॉस मैंने तैयार की है उसको इस बेस पे लगाएंगे। इसको अच्छे से सॉस को इसके ऊपर लगाना है, ज्यादा सॉस नहीं डालनी बस। अब मैं
इसमें डालूंगी ये फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है पिज्जा। आप अपने हिसाब से टॉपिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर ये सॉसेस, जिसको हम रूस्टर भी बोलते हैं, आप अपनी मर्जी से इस पे कोई और भी मीट लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी ये फरमाजो, जिसे हम चीज बोलते हैं। मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मोसरेला चीज। अगर आपको ज्यादा हैवी पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। अगर आप इतना डालोगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही स्वाद लगेगा। ये देखिए गाइस, अब इसकी टॉपिंग हो चुकी है। अब मेरा ओवन जो है वो भी गर्म हो चुका है। अब मैं इस ट्रे को इसके अंदर लगाऊंगी और इसको कर दूंगी बंद 220 पे। ये देखिए गाइस, अब मैं हमारे लिए सॉस तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने ये डाली है थोड़ी सी पिज्ज़ा सॉस, अदरक लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च डाल ली है। अब मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड और इसको अच्छे से ग्राइंड करके उसी तरह से थोड़ा सा गरम कर लूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप भी ऐसे ट्राई करके देखना, इससे जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी बनती है। इंडिया में ये गार्लिक लहसुन सारा डल के सॉस बनी होती है, तो यहाँ पर भी है, पर मैं अपने घर में फ्रेश बनाती हूँ, ऐसे बनाई जाती है। तो ये देखिए गाइस, ये सॉस जो है ग्राइंड होकर ऐसी बन गई है, टेस्टी है। अब इसको मैं इसी पैन में गरम करूंगी। ये देखिए गाइस, ये सॉस अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। वो मैंने बच्चों की निकाल कर रख ली थी। गैस को कर दूंगी बंद। इसका जो कच्चापन है अब ख़त्म हो चुका है और ये खाने में एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो तीखा। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा थोड़ा सा तीखा पसंद है। तो इधर देखिए, हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए, अभी इसको लगेंगे 5 से 10 मिनट और ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए गाइस, अब ये तो ऊपर से बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको करूँगी नीचे, थोड़ा सा नीचे वाला शेप लगाकर। तो 2 मिनट के लिए नीचे के सेक पर इसको नीचे से सेक लेंगे और ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए गाइस, पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। नीचे से भी अच्छे से सिक गया है और ये देखिए कितना से अच्छा बना है। ज़्यादा मोटा नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही पिज़्ज़ा
को बनाया जाता है। अब मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पे रखूंगी, अब बस चॉपिंग बोर्ड पे रखने पर इसको मैं पिज्जा कटर से काट लूंगी। ये देखिए गाइस, ये कट कर लिया, अब ये बनकर तैयार, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका। अब मैं बनाऊंगी दूसरा वेज पिज्जा, तो वो उसकी टॉपिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, वेज मैंने इसकी टॉपिंग कर लिया। इस पर सब पहले नीचे सॉस लगाकर सब्जियां डाल ली, ऊपर थोड़ा सा प्याज, अब मैं उसके ऊपर फरमाचो चीज जो लगा वो लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्लैक ओलिव्स हैं तो आप उनको भी बारीक बारीक काट कर उस पर लगा सकते हैं, मेरे पास इस वक्त है नहीं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मोसरेला। देखिए कितना कलरफुल बन गया है। अब मैं, ये देखिए गाइस, वेज पिज्जा बनकर तैयार हो गया है। तो आपको मेरे पिज्जे की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में, और इसी तरह से बनाइएगा। तो ओके, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टाटा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। Okay, see you.